बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं ही हूँ यहाँ और कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरी बारी है बोलने का, बोलने की, सॉरी। तो हमने सोचा क्यों एक बार आपके सबसे फेमस कमेंट्स के बारे में नहीं बताएंगे। आप बोलते हैं कि मेरी शादी करवाओ या लड़की दिलवाओ, राशन, बहुत कमेंट्स आती है। इसलिए हमने सोचे कि हम बताएंगे कि कैसे राशन लड़की बताना। आप बोल रहे हो कि शादी करवाओ, आप शादी कर रहे या हलवा खा रहे हैं? ऐसे नहीं होते यार। इंडिया में शायद होता है, पर राशन में नहीं होता है, इसलिए आपको खुद को काम करना पड़ेगा। पर अगर आप नए आए हो तो मैं बता देती हूँ कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और देखो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये लड़की कौन है जो हिंदी में बात करती है और क्यों इस चैनल पे आए। कुछ लोग लिखते हैं कि ये लड़की कौन है, या किसी को पता नहीं है कि मैं आकाश शर्मा की वाइफ हूँ। तो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि मैं आकाश शर्मा की वाइफ हूँ। तो कम से कम मेरे पास एक एग्जांपल है एक लड़के का जो पटा पाया एक रशियन लड़की को। तो रशियन लड़की को पताने के लिए कुछ स्पेशल तरीके हैं। कुछ चीजें होती है जो हर किसी लड़की के लिए, चाहे ये राशन है या यूरोपियन है या हिंदुस्तानी है, सेम होते हैं। जैसे ईमानदार होने चाहिए, ये हमें बहुत पसंद है। पर अगर आप चाहते हैं कि इंडियन राशन लड़की आपको पसंद करे या अट्रैक्ट हो जाए आपसे, तो आपको शर्माना नहीं चाहिए। जैसे इंडियन लड़कियों के साथ वो ऐसा तपट नहीं मारेगी आपको, जैसे इंडिया में होती है। अगर हे सुंदर या कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे या और कोशिश करेंगे कुछ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के सोच रहे हैं, रशियन लड़की कम से कम ना गाली आपको देगी ना वो मारेगी आपको, बस बोल सकते कि नहीं नहीं चाहिए, या बस मना करेगी सिंपल कुछ कहने की बिना, या इशारे करते कि नहीं इंटरेस्टेड नहीं है। फिर भी हर कॉम्प्लीमेंट किसी भी लड़की को अच्छा लगता है। और रशियन लड़की को एक माइनस पॉइंट है, आपके पास पैसे भी होने चाहिए। रशियन लड़कियों को पैसे पसंद है, पता नहीं, मैं भी सिर्फ रशियन लड़कियों को नहीं, पर ये हर औरत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ कि हमारे लिए क्यों ये चीज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लड़की फैमिली के बारे में सोच रही है। चाहे वो सोचे कि मैं नहीं सोच रही हूँ फैमिली के बारे में, फिर भी इसकी सबकॉन्शियस माइंड में वो सोच रही है फैमिली के बारे में। और इसको चाहिए कि कम से कम इसका लाइफ पार्टनर सपोर्ट कर पाए, अच्छा जॉब होना चाहिए और अच्छी एजुकेशन भी अच्छा होगा अगर एजुकेशन भी होगी, पर कोई बात नहीं अगर जॉब है। फिर नेक्स्ट, गुड लुकिंग पर्सन सबको अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स नीट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नहा धोकर ऐसा गंदा या ऐसा नींद में किसी लड़के के पास मत आओ प्लीज, कम से कम ब्रश करके आओ। जरूरत नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर हो या आपकी बॉडी एकदम बनी है परफेक्ट, हर इंसान परफेक्ट नहीं है, बस आपका दिल साफ होना चाहिए। एक और चीज, जितना मैंने देखा और मेरे आकाश के दोस्त के दोस्त या जो लड़कियां उसे मिली थी, या मैं भी जानती हूँ ऐसे लड़कियों को जो कहती है कि मुझे इंडियन लड़के पसंद है, मतलब कि लुकिंग इंडियन लड़के और हैंडसम भी है, वो अलग है हमारे रशियन लड़कों से, और कैरेक्टर
भी, क्योंकि वो ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, जैसे गर्म खून, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा सूरज मिलता है, वो बहुत एक्सप्रेसिव लड़के हैं और प्यार भी बहुत अच्छे तरह से करते हैं और बहुत बहुत सुंदर वर्ड्स कह सकते हैं और एक्शंस भी फूल फूल जो भी होता है. एक और इंडियन लड़के इतने गेम्स नहीं खेलते, जैसे यहाँ लड़के ज्यादा पढ़े हैं, आलसी पढ़े हैं, क्योंकि जनसंख्या में लड़कों की कमी है, लड़कियां ज्यादा है, इसलिए लड़कों को पता है कि कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी. और ऐसे आलसी आदमियों के लिए बहुत भारी पूरी बहुत लड़कियां खड़ी है और फाइट करती है, और लड़कों को कुछ करना नहीं है, ना अपने आप को सुंदर बनाना या ना एजुकेशन लेना देना जो भी और ना काम करना, ना ज्यादा कमाना, क्योंकि लड़के ही कमाती है, लड़की औरत या औरत कमाती है और वो पढ़ा रहता है, टीवी देख रहा है या गेम्स खेलता है पूरे दिन. बहुत होता है ऐसा, या पेशेंट करती है लड़के की, वो कोई आदमी मारता है, जबकि भी मना है यहाँ मारना फैमिली के अंदर भी, इसके लिए जेल भी मिल सकती है यहाँ. पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके बीच में और लड़की के बीच में मीडिएटर्स होना नहीं चाहिए, आपको लड़की से मिलना चाहिए फेस टू फेस, क्योंकि इंटरनेट में ये विश्वास नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, पर अगर पर्सनली मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं सब सुन रहा है, सब सुन रहा है, बात खराब कर दे. देखो तो लड़के लड़कियों की बात हो रही है, लड़के लड़कियों की बात हो रही है तो लड़के का होना जरूरी है. देखो यहाँ पे कंडीशन ये जितना इसने बोला, एक लड़की के तौर पे बोला, इसलिए मैंने इसको बोला कि तुम ही अपने तरीके से बताओ, क्योंकि तुम रशियन लड़की हो. तुम लोगों ने यार जान खा लिया, कितने लड़कों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया. मैंने कहा फाइनली इस पे वीडियो बनानी चाहिए. देखो उसने बोला ना कि आप लोग मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम लोगों से नहीं कि हम यहाँ बैठेंगे, तुम लोगों से लिस्ट लेंगे और लड़कियां ढूंढ ढूंढ के तुम्हें देंगे. वो शादी.com रिश्ता.com नहीं खोल रखा है यहाँ. सीधे आप कुछ जो साइट्स हैं उनको यूज कर सकते हो, ये फेसबुक है, कंटेक्ट है, वीके करके, टिंडर पिंटर चल रहे हैं आजकल. भाई मेरा अपना एक दोस्त है, भगवान भी है, अगर आपकी जोड़ी बना रखे तो गुच्छे बना के फेंकेगा. मेरा अपना एक दोस्त है, उसने फेसबुक से लड़की को दोस्त बनाया और उससे शादी करी, आज उसके पास एक बच्ची भी है. वो देख भी रहा होगा, वो देख भी रहा होगा, वो समझ गया होगा. एक मेरा दोस्त है, वो जेन्युइनली उन लड़कियों से, सही बोलो ना, बट सही है, वो उन लड़कियों से बात करा, टिंडर से उसने दोस्त बनाया. मैंने ख्याल से 6-7 गर्लफ्रेंड्स बना चुका है वो उन टिंडर से, उसमें से मैं 3 लड़कियों से मिल चुका हूँ खुद, और वो तीनों की तीनों लड़कियां जेन्युइन थी, कोई वो नहीं थी. प्रॉब्लम यही है जैसे इसने बताया कि उन लड़कियों को सही लड़के चाहिए, और सही में हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशन कल्चर उन लोगों को इतना पसंद आता है, अगर एक चक्कर भी कोई लगा ही आया ना रशियन लड़की इंडिया का, फिर उनको इंडियन ही पसंद आएंगे, बहुत ऐसा है. तो उसने भी कई लड़कियों का ऐसा दोस्त बनाया, उसमें से एक लड़की तो मेरे घर भी आ चुकी है. सोचो, लेना ने भी देखी है, लेना भी मिली है उससे. तो सोचो ना कि अब वो वहां से बैठे तो बना, अगर अब ये नहीं चल रहा होता लॉकडाउन वाला सिस्टम, तो वो अब तक मई में आता और उनसे मिलता. सो हमारा तो भाई देखो कहना यही है, जो करो दिल से करो, किसी को बीच में मतलब खुद करो, खुद करो अपना. जब किसी से लड़की से बात करो, अपने दोस्त को भगवान से आशीर्वाद लो कि भैया करवा दो सेटिंग. सो यही है अपना, बस हम यही कहना चाहते थे कि अब हमें मत परेशान करना कि हमारी शादी करवा दो, ये कोई नहीं करवाएगा. अगर हम शादी अब करवाएंगे तो हम पैसा लेना शुरू कर देंगे, फीस लगेगी. हम लड़की से भी करवा देंगे, कॉन्टेक्ट दिलवा देंगे कि भाई ये रहा लड़की, इससे बात करो. और फिर भी 100 बार सोचो रशियन लड़की से शादी करने से पहले, क्योंकि बहुत फर्क है इंडियन लड़के और हिंदुस्तान. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हाँ, आप लोगों को कम से कम 100 बार नहीं, 1,00,000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आकाश खुद बनाता है. इजी नहीं है आपको रहना, लेना को आता है बनाना, लेकिन एक वही है ना, हम पुरुष प्रधान देश है जो हिंदुस्तान है, रशिया जो है वो स्त्री प्रधान देश है, दोनों अलग अलग एकदम मिल जाना बहुत इजी नहीं है. देखो कलर की भी डिफरेंस है, कितना कलर डिफरेंस लग रहा. सो कैसा लगी आपको हमारी वीडियो, कैसा लगा हमारा कॉन्सेप्ट?
अच्छा लगा और कुछ सोचो कि और किस चीज के बारे में करा है, शायद वही अंतर के बारे में, इंडियन लड़कियां, इंडियन वाइफ रशियन वाइफ, यो इंडियन वाइफ रशियन वाइफ के बारे में बताएंगे, ठीक है, अगला टॉपिक ही होगा। बाकी आपके कुछ और सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट में बताइए, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करने का, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर क्या, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।